हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर स्किन केयर एम्प्टीज प्लस देयर फाइनल वर्ड्स लाइक वेदर आई विल बी रिपर्चेजिंग देम और नॉट। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। स्टार्ट विद द क्लेंजर्स फर्स्ट। सबसे पहले है दिस सेलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश फ्रॉम द डर्मा को। ब्यूटीफुल सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, जेंटल है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है ऑन द स्किन एंड ये जेल लाइक है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहले इसको फोम करके देन अपने फेस पे अप्लाई करें, अदरवाइज आपको टेक्सचर का इशू हो सकता है बिकॉज इसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड डाला हुआ दैट इज़ प्योर सैलिसिलिक एसिड। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर, आई लव इट। दिस वन इज माई आई थिंक सेकेंड एम टी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्यूटिफुल क्लेंजर। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम डर्मा को बट दिस वन इज फ्रॉम देयर स्किन रिन्यू बाय डॉक्टर वी वाला रेंज। दिस इज देयर स्किन रिन्यू पेप्टाइड एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश। ब्यूटिफुल फेस वॉश, आई एब्सोल्यूटली लव इट। द टेक्सचर ऑफ दिस वन इज रियली रियली अमेजिंग। इट हैज़ अ नाइस थिक जेल टेक्सचर जो काफ़ी अच्छे से रिच फोम बनाता है एंड काफ़ी अच्छे से आपको क्लीन फील देता है एंड हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माई स्किन। लाइक ये और सेरावी, लाइक सेरावी से बेटर ये वाला काम किया है मेरे लिए। डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन, हाईली हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट आर टू ऑफ द टोनर। द फर्स्ट इज दिस नियासिनामाइड 10%। नाउ इट्स एक्सट्रैक्ट बट आई वुड कॉल इट एज अ टोनर ओनली बिकॉज मैं इसको एज अ टोनर स्टेप ही यूज़ करती थी। सो ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है इन द पास्ट बट मैंने बड़ी पैकेजिंग यूज़ करी थी सो आई वॉज नॉट वेरी अमेज्ड विद दैट वन। बट दिस टाइम आई यूज इट एज अ टोनर लाइक द फर्स्ट स्टेप और दिस हैज़ वर्कड रियली रियली वेल। और इस बार मैंने अच्छे से इसको लगाया है एंड दैट्स वाई ये 15-20 दिन में मेरा ख़त्म भी हो गया एंड दिस टाइम आई फेल्ट इट गिव्स मी ब्राइटनिंग इफेक्ट। नाउ वाई आई लव्ड इट सो मच बिकॉज इसका ये है ना कि दीज फॉर्मुलेशंस आर वेरी वेरी प्योर और प्लेन, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ भी और चीज़ें नहीं डली हुई हैं सो यू कैन ईजिली लेयर दैम विद योर अदर स्किन केयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूजिंग सम एक्टिव इन्ग्रीडियंट यू कैन मिक्स इट विद दैम, लाइक एनी अदर इन्ग्रीडियंट के साथ ही बहुत आराम से पेयर हो जाते हैं। लाइक आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं कि वो इसके अंदर ये भी है ये भी है ये भी है। सो दीज आर easily adjustable products जिनको आप अपनी किसी भी स्किन केयर जो आप मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट टेस्ट आउट करने होते हैं जिनके साथ आई कुड नॉट पेयर अदर सीरम्स तो उस टाइम पर ये कम्स वेरी वेरी हैंडी। सिमिलरली दिस वन देयर एच कॉर्डाटा 1, दिस वन इज़ ऑल्सो रियली रियली गुड। थोड़ा सा बचा हुआ है, अमेजिंग। दिस गिव्स यू वेरी वेरी नाइस सूदिंग इफेक्ट्स। एक आधी बार मैंने इसको एज अ शीट मास्क भी यूज़ किया है, दिस इज़ ग्रेट। इवन इनका आर्टेमिस वाला भी अच्छा है बट आर्टेमिस से थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे मेडिसिनल सी स्मेल आती है बट दिस वन हैज़ वर्कड रियली वेल फॉर माई स्किन। लाइक एंग्री स्किन को काम डाउन करने के लिए दिस वर्क्स अमेजिंगली। ब्यूटिफुल ऑल दीज एक्सट्रैक्ट एंड करंटली आई एम यूजिंग देयर हेलोनिक एसिड वन एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट बिकॉज वैसा हेलोनिक एसिड मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। इट्स वेरी वेरी स्मूद सो उसका भी रिव्यू मैं जल्दी आपको दूंगी बट दीज टू आर great, like if you wanted to go for these you can. Next is this Biocule the calm soothing serum. Beautiful, amazing, काफ़ी calming properties हैं इसके अंदर। Even when you do the threading ये काफ़ी अच्छे से उस redness को और उस जलन वाली sensation को calm down कर देता है। Beautiful, would love to repurchase this one again. Next empty is this Aminu copper peptide serum. This is my second empty. This is my second bottle. मैंने वो बोला था कि मैं continue रखूँगी इसको but अभी मैंने इसको stop किया है because अभी इसके बाद I started using their correcting serum जो मैंने आपको स्किन केयर हॉल में दिखाया था। सो मैं उसको अभी टेस्ट आउट कर रही हूँ फॉर अ मंथ, लाइक जब तक वो बॉटल चलेगी। सो हम शूटिंग द बिफोर एंड आफ्टर थिंग तो वो आपको जल्दी पता चलेगा कैसा है एंड देन आई विल यूज़ इट। सो अभी के लिए तो आई कांट से मच कि वर्थ इट है या नहीं। थर्ड बॉटल फिनिश करने का आपको बताऊंगी कि वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस द ऑर्डिनरी सूदिंग एंड बैरियर सपोर्ट सीरम। इसका मैंने रिव्यू आपके यहाँ शेयर किया था लास्ट मंथ आई थिंक। बहुत ज़्यादा ऐसे सूदिंग और रिपेयरिंग वाले बेनिफिट्स इसके अंदर नहीं है। इंग्रीडियंट्स बहुत अच्छी है बट आपको जर्नल एक मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ थिंग चाहिए अपनी स्किन के लिए देन इट्स परफेक्ट। बट एक आप सोचो कि आपका बैरियर बिल्कुल डैमेज हो गया है एंड यू नीड अ क्विक फिक्स तो वो ये नहीं करता है। आई हैव ट्राइड इट फॉर एटलीस्ट 7-10 डेज बट
दिस हैज़ डन नथिंग फॉर माई बैरियर. तो बैरियर रिपेयरिंग वाली चीज़ तो इसमें नहीं है, बट मेंटेनेंस के लिए इट्स गुड, बट आई वॉन्ट बी रिपर्चेजिंग दिस वन अगेन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस केसर कोजिक एसिड सिरम फ्रॉम द डॉक्टर शेथ्स. ये मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया है बिकॉज ही हैव दैट इधर मलास्मा के पैचेस, तो ही वॉज टेस्टिंग दिस वन आउट. तो उन्होंने इसको पूरी बॉटल को फिनिश किया है. मलास्मा पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिला बाय फिनिशिंग दिस होल बॉटल, बट येस जो टैनिंग वाले जैसे पैचेस बन जाते हैं ना, ब्लैक ब्लैक कहीं पे उनके फोरहेड पे बना हुआ था, वो क्लियर हो गया है. बट आई थिंक जो मलास्मा है वो उनका काफ़ी सालों पुराना है, तो उसको जाने में आई थिंक टाइम लगेगा. बट अगर आप टैनिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, दिस विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट. सो वुड लव टू रीपर्चेज दिस वन अगेन फॉर हिम जब भी उनको दोबारा से वो टैन वाला पैच बन जाएगा. नेक्स्ट आर द मॉइस्चराइजर. सबसे पहले है दिस फॉक्सटेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. ये मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया बिकॉज इसके अंदर परफ्यूम था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई आई कुडंट यूज इट ऑन माई फेस. मैंने सिर्फ इसको ट्राई किया था. अच्छा है, अफोर्डेबल है, बट वो फ्रेगरेंस वाला पार्ट हटा देना, देन इट वॉन्ट इज ब्यूटिफुल. Won't be repurchasing again, but अगर आप इन जनरल फ्रेग्रेंसेज लगाते हो, यू विल लव इट बिकॉज टेक्स्चर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है. लाइक हैज वेरी नाइस जेल लाइक टेक्स्चर जो काफ़ी ठंडा ठंडा कूल कूल फील होता है. परफेक्ट फॉर दिस चिपचिप वाला वेदर. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस थैंक यू फार्मर राइस वाला क्रीम. ये खत्म काफ़ी टाइम की हो गई थी, बट आई कुडंट शो यू इन द एम्प्टी. अच्छी है बट ओवर प्राइसी है, लाइक थोड़ी सी हैवी है फॉर विंटर. दिस वन इज़ परफेक्ट इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज टूवर्ड्स ड्राई स्किन, दिस वन विल वर्क अमेजिंगली. बट समर्स के लिए थोड़ी सी हैवी है एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा महंगी है, सो नॉट गोइंग टू रीपर्चेज. बट हाँ, कभी डिस्काउंट पे मिलेगी उतने ही जितना पहले मिली थी 70% के ऑफ पे, देन वुड लव टू ग्रैब इट अगेन. नेक्स्ट इज दिस रुबेक्टिन सीका केयर बाम डर्मा लाइफ वाला. इस पूरे ब्रांड का मैंने आपको एक रिव्यू दिया है रिसेंटली, इफ़ यू हैव मिस्ड इट चेक कर लेना. काफ़ी टाइम के ये प्रोडक्ट्स फिनिश हुए हुए थे बट आई कुडंट शो यू इन एनी ऑफ द एम्प्टी वीडियोस बिकॉज इनका रिव्यू नहीं गया हुआ था. दिस बाम इज़ गुड, अच्छा है, कामिंग बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, बट महंगा बहुत ज़्यादा है, सो नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन. अदर मॉइस्चराइजर अगेन फ्रॉम रुबेक्टिन, दिस इज देयर एक्वा वाला कॉन्सेंट्रेट. इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स हैं एंड नॉट एट ऑल फॉर क्लोज कॉमेडोन एंड एक्ने प्रोन स्किन बिकॉज दिस विल ब्रेक यू आउट बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑयल्स इन दिस वन. तो इसको मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया, हालांकि ही इज़ वेरी वेरी ऑयली स्किन, उन पे ये सूट कर गया है. बट अगर आप क्लोज कॉमेडोन प्रोन हो, एक्ने प्रोन हो, दिस विल वर्स योर एक्ने. सो नो, नॉट गोइंग टू रीपर्चेज अगेन. नेक्स्ट आर फ्यू सनस्क्रीन. फर्स्ट इज विश केयर नियासिनामाइड ऑयल बैलेंस्ड फ्लूइड सनस्क्रीन. मैंने ट्राई किया था, फिनिश मेरे हस्बैंड ने किया है. अच्छी है, लाइट वेट है, बिल्कुल पानी जैसी फील होती है, सुपर सुपर लाइट वेट, ब्यूटिफुल. यू कैन गो फॉर दिस वन, आई मे रीपर्चेज अगैन. नेक्स्ट इज दिस एक्वालॉजिका D10 प्लस ड्यूई सनस्क्रीन. गुड वन, जेल क्रेम टेक्सचर, जैसे इनकी बाकी की सनस्क्रीन्स हैं वैसी ही है ये भी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स हैं वो डिफरेंट हैं. जेल क्रेम टेक्सचर है, परफेक्ट फॉर दिस वेदर. गुड वन, यू कैन गो फॉर दिस वन. मेरे पास बैकअप ऑलरेडी पड़े हुए हैं. नेक्स्ट इज दिस एक्सफोलियंट. दिस वन इज फ्रॉम डॉक्टर शेथ. इट्स देयर एक्स्ट्रा जेंटल पील. थोड़ी सी बची हुई है ना, अब एक्सपायर भी हो गई है बिकॉज इसका शेल्फ लाइफ आई थिंक 6 months या 9 months का ही था. बट दिस वन इज़ अ इन डीड अ ब्यूटिफुल पील, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव अ वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन. एंड दिस वन इज ऑफकोर्स प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग सेफ, तो यू कैन गो फॉर दिस वन एंड वुड लव टू रीपर्चेज दिस वन अगैन. अनदर एम्प्टी इज दिस एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू. इसका मास्क मैंने पहले दिखाया था लास्ट एम्प्टी में. शैम्पू फिनिश हो गया है, मैंने अपने हस्बैंड को दे था बिकॉज मैंने उनको बताया था कि दिस वन वाज टू ड्राइंग फॉर द हेयर और ये मेरे कलर को निकाल रहा था, दैट्स व्हाई मैंने फिर उनको दे दिया था. गुड वन बट वोंट बी रीपर्चेजिंग अगेन. नेक्स्ट इज अ कॉम्बो ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर. दीज आर फ्रॉम रेडकिन. इनका मैंने रिसेंटली ही रिव्यू ड्रॉप किया है, रिव्यू काफ़ी टाइम का हो चुका था. सो इफ़ यू रिमेंबर, रिव्यू में बॉटल यहाँ तक थी, उसके बाद ये सारी ख़त्म भी हो गई. इसका रिव्यू मैंने आई थिंक मनाली जाने से पहले किया था एंड उसके बाद से आई वॉज कंटिन्यूसली यूजिंग दिस वन एंड नाउ दिस वन इज़ एम्प्टी. आई लव दिस शैम्पू बिकॉज एक तो ये ऑफकोर्स स्कैल्प के ऑयल को तो कंट्रोल करता ही है बट लेंथ को ड्राई नहीं करता है. लाइक जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया,
मेरी जो हेयर लेंथ थी नीचे वाली ये बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड एकदम यू नो सिल्की सिल्की फील होती थी। अब इसके बाद से जो शैम्पू मैंने यूज़ करना शुरू किया है वो उसने मेरे जो ये एंड्स थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिए थे। तो अभी पिछले लास्ट 2 वॉशेज से मैंने उसको छोड़ दिया है, उसका भी मैं जल्दी करूँगी कौन सा वाला है वो, बट दिस वन वॉज इन डेड अ ब्यूटिफुल शैम्पू, वुड लव टू रीपर्चेज दिस वन अगेन अगर ऑफ मिली तो। सिमिलरली जो इनका ये बॉन्डिंग रिपेयरिंग वाला कंडीशनर है ये भी बहुत अच्छा है, लाइक बालों को काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की बना देता है। इसके बाद मैं जो ये नेक्स्ट वाला मास्क है वो लगा रही थी बट मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे वाव वाले बेनिफिट्स नहीं मिले, और मे बी बिकॉज आई वॉज यूजिंग दैट ड्राइंग शैम्पू इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मुझे फील हुए। बट दिस वन इज़ अ ब्यूटिफुल कंडीशनर, लाइक ये दोनों का एक कॉम्बो बहुत अच्छा है। लाइक ऑफकोर्स रिव्यू में मैंने उतना नहीं बोला हुआ कि जस्ट गो फॉर दिस वन, बट इन दिस वीडियो आई कैन से इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बो, लाइक अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो यू शुड डेफिनेटली गेट दिस वन, लाइक ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन फॉर ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई एंड्स। नेक्स्ट इज दिस स्कॉश कॉफ का रिपेयर रेस्क्यू ट्रीटमेंट आर्जिनन वाला, ये मैंने मास्क लिया था नाइका की किसी सेल से। सो दिस वॉज द मास्क जो मैंने फिर यू नो उस शैम्पू के साथ कंबाइन किया था विच आई वॉज टेस्टिंग पहले, बट मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग से बेनिफिट्स नहीं मिले, और मे बी वो शैम्पू इतना ड्राइंग था कि ये बेचारा काम नहीं कर पाया। बट आई थिंक शैम्पू कितना भी ड्राइंग हो इफ़ अ मास्क इज़ गुड तो आपके जो बाल हैं बिकॉज वो तो आप लेंथ में ही लगा रहे हो ना तो दिस शुड वर्क, बट बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग मुझे बेनिफिट्स इससे नहीं मिले, बाल मुझे जैसे झाड़ू की तरह ही फील होने लग गए थे। तो नो, नॉट वेरी हैप्पी, नॉट सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस वन, सो डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी रीपर्चेज दिस वन। जस्ट दिस बी ब्लंट का इंटेंस शाइन हेयर मास्क, ये मम्मी ने फिनिश किया है, दिस वन इज गुड वन, उनके बाल काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की फील होते हैं। अभी मैं भी जैसे अभी ये खत्म हो गया है एंड इफ आई हैव टू टेस्ट अ शैम्पू तो उसके साथ यू नीड समथिंग है ना, तो देन आई विल यूज दीज मास्क। इसका इंटेंस मॉइस्चर वाला पड़ा हुआ है और ये भी मेरे पास अभी दो दो बैकअप पड़े हुए हैं तो आई विल यूज दीज। नेक्स्ट एम टी इज दिस डर्मा खोखा पेप्टाइड स्टेम सेल हेयर ग्रोथ सिरम, ब्यूटिफुल हेयर ग्रोथ सिरम, द लाइटेस्ट ऑफ ऑल जितने मैंने अभी तक ट्राई करे हैं, एंड द स्प्रिट्स इज वेरी वेरी फाइन, लाइक इट्स नॉट दैट कि एकदम आप जब स्प्रे करो तो ऐसे थिक थिक बीच में गिरता है और एक ही जगह गिर जाएगा देन यू हैव टू स्प्रेड इट विद द कॉम्ब, नो जस्ट टेक अ पार्टीशन एंड जब दूर से भी ऐसे स्प्रे करोगे तो इवनली स्प्रे होता है और बहुत ज़्यादा फाइन स्प्रिट्स है इसकी, beautiful, would love to repurchase this one again. Next is this plum ka eye cream, this is my second empty and would love to repurchase again because jitna time main isko use karti aayi thi mera jo darkness thi wo kafi had tak kam ho gayi thi. Currently I'm using the ordinary ka caffeine solution, once that will be over I will be repurchasing this one only. Okay. Lastly again the Nivea Protect and Care, इसका वो ऊपर का गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, तो ये मंथली फिनिश होते हैं, आई थिंक आई डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट दीज, हाउ लॉन्ग लास्टिंग दीज आर। सो या दैट वॉज इट गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टूडेज एम्प्टी वीडियो, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।